This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अपने आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और अपने आज के लेक्चर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक पस मंजर, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद फिर ये देखेंगे जी क्लॉजेज और इससे आगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है कि जिसे कंपनी का आईन कहा जाता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है कि जिसमें ओवरऑल कंपनी के बारे में एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ वाक़ है और इस तरह की मालूमात जो आज हम पढ़ेंगे। तो इस किस्म की जो जो मालूमात हैं कंपनी के बारे में वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है। फिर तीसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अहमियत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं, यानी ये किस कदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन का इन्हिसार इस पे है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो गया तो मतलब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा पस मंजर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, और अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की क्लॉजेज पर मुश्तमिल होता है। क्लॉजेज मतलब मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स, मुख्तलिफ हेडिंग्स, और हर हेडिंग के नीचे पैराग्राफ्स। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफरेंट क्लॉजेज पे मुश्तमिल होता है और हर क्लॉज में मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में लिखी हुई होती है। अब डिपेंड ये करता है कि किस किस्म की कंपनी है या कंपनी का बिजनेस किस किस्म का है। तो वैसे ये जो क्लॉजेज हैं मेमोरेंडम की, ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। लेकिन आम तौर पे ये वाली क्लॉजेज जो अब हम पढ़ने लगे हैं, आम तौर पे ये वाली क्लॉजेस कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एग्जिस्ट करती हैं। इनमें सबसे पहली जो क्लॉज है वो है नेम क्लॉज, और नेम क्लॉज जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये वो क्लॉज है कि जिसमें ना सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है बल्कि नाम के साथ एडिशनली कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं कंपनी के नाम के एंड पे, जो कि दरअसल वाजे करते हैं कि ये कंपनी किस किस्म की है। जैसे अगर पब्लिक कंपनी है तो कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखा हुआ आएगा, अगर कंपनी प्राइवेट है तो यहां पे आ जाएगा नाम और नाम के साथ आगे आ जाएंगे ये वाले अल्फाज प्राइवेट लिमिटेड, अगर कंपनी सिंगल मेंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा कंपनी का नाम और आगे अल्फाज हुए होंगे SMC प्राइवेट लिमिटेड, अगर एक कंपनी गारंटी लिमिटेड है तो यहाँ कंपनी का नाम होगा और इसके आगे ये अल्फाज लिखे हुए होंगे गारंटी लिमिटेड, और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे नाम आ जाएगा कंपनी का और आगे अनलिमिटेड। इसी तरह अगर पब्लिक कंपनी है तो शुरू में बता चुका हूँ यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे लिमिटेड का वर्ड आ जाएगा। तो नेम क्लॉज में तो कंपनी के नाम और ये वाले जो इजाफी अल्फाज हैं टाइप ऑफ कंपनी के लिहाज से ये लिखे जाते हैं जी। बता दें, ये पहला पॉइंट समझ आ गया? रिस्पॉन्ड कीजिएगा बच्चों, पहला पॉइंट समझ आ गया? ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ।
clause number two, next clause, registered office clause. इस क्लॉज में दरअसल ये लिखा होता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ वाकया है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्लॉज में ये नहीं लिखा होता कि किस शहर में वाकया है, बल्कि प्रोविंस का नाम लिखा होता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सूबे में वाकया है उस सूबे का ही डायरेक्टली नाम लिख देते हैं। और फर्ज करें अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पाकिस्तान में किसी ऐसे मुकाम पे वाकया है कि जो मुकाम किसी सूबे के तहत फॉल नहीं करती, लेकिन वो मुकाम वो जगह पार्ट ऑफ पाकिस्तान जरूर है लेकिन वो जगह किसी सूबे के अंडर नहीं आती, तो इस सूरत में फिर डायरेक्टली उसी मुकाम का नाम ही यहाँ पे लिखते रहेगा। अब इन दोनों बातों की एग्जाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल देता हूं और इसकी भी एग्जाम्पल। जैसे अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में वाकया है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है उसमें ये लिखा होगा कि जी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो प्रोविंस ऑफ पंजाब में वाकया है। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में है तो लिखा जाएगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिंध में वाकया है, सूबा सिंध में। सो ऑन सो फोर्थ, अगर पिशावर में है तो इन द प्रोविंस ऑफ केपीके, अगर क्वेटा में है या बलूचिस्तान के किसी और शहर में वाकया है तो उस शहर का नाम लिखने के बजाय लिखा जाएगा कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वाकया है इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। अच्छा, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वाकया है इस्लामाबाद में तो आप सब जानते हैं इस्लामाबाद तो किसी भी सूबे के अंडर नहीं आता, ये तो बजाते खुद फेडरल कैपिटल है, तो इस सूरत में फिर बराह रास्त यही लिखा जाएगा कि जी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद में सिचुएटेड है। ओके जी, बता दें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज समझ आ गई सब लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, अब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इन अल्फाज का मतलब है कि भाई मेजर बिजनेस क्या है कंपनी का। अब इसमें थोड़ा सा पसे मंजर हम देख लेते हैं बैकग्राउंड में। देखिए, एक कंपनी के एक से जायद बिजनेसेस भी तो हो सकते हैं। जैसे एक कंपनी है उसका एक बिजनेस टेक्सटाइल का है, एक और बिजनेस शुगर का भी है, एक और बिजनेस उसका फ्लोर का भी है। कंपनी एक ही है लेकिन उसके तीन बिजनेसेस हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इन तीन बिजनेसेस में से कंपनी का मेजर बिजनेस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर की बजाय लिखा हुआ है प्रिंसिपल लाइन, तो मेजर का वर्ड वैसे मैं बोल रहा हूं आपकी आसानी के लिए, मेन मेजर, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस किसको करार दिया जाए अगर एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं। तो इसका जवाब है कि देखा जाएगा कि कंपनी के सब्सटेंशियल एसेट्स जो हैं, सब्सटेंशियल मतलब अहम, मेजर, देखा जाएगा कि सब्सटेंशियल एसेट्स किस बिजनेस में हैं, या फिर देखा जाएगा कि सब्सटेंशियल रेवेन्यू किस बिजनेस से अर्न हो रहा है। तो इन दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी वो होगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। जी जरा बता दें, ये बात समझ आई, फिर उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं। सब्सटेंशियल एसेट्स जिस बिजनेस में हैं या लाइकली टू बी हेल्ड मतलब हो सकते हैं आगे जाके इम्कान है, या सब्सटेंशियल रेवेन्यू जिस बिजनेस से अर्न हो रहा है या लाइकली टू बी अर्न बाय अ कंपनी आगे जाके मुमकिन तौर पे उस बिजनेस से सब्सटेंशियल रेवेन्यू आ सकते हैं, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो उस बिजनेस को हम कहेंगे ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। अब इस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं।
हमें ये चीज और वाजे हो जाएगी। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, TSF मिल्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है और इसके जो हैं वो तीन बिजनेसेस हैं, कौन कौन से, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल, शुगर एंड फ्लोर प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इसको जब एनालाइज किया तो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है, इस बिजनेस में कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 500 मिलियन मालियत के हैं, ठीक है, जबकि इस बिजनेस से जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, एस्टिमेटेड एवरेज जो रेवेन्यू है वो 2200 मिलियन रुपीस का है। अच्छा, शुगर का जो कारोबार है, कंपनी के जो एस्टिमेटेड एसेट्स हैं शुगर के बिजनेस में जो एसेट्स हैं वो 300 मिलियन रुपीस के हैं, लेकिन इस बिजनेस से जो रेवेन्यू आ रहा है ऑन एन एवरेज वो 4500 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू यहां से आ रहा है। और फ्लोर का जो बिजनेस है उसमें जो कंपनी के एसेट्स हैं वो 100 मिलियन रुपीस की मालियत के हैं, जबकि फ्लोर के कारोबार से जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू आ रहा है एवरेज वो 800 मिलियन रुपीस का है। चले अब मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि बताएं विच एवरेज हायर के फॉर्मूला के मुताबिक कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा होगा, कोई बताएगा आप लोगों में से? जी ये चीज ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू इज हायर देन एसेट्स एंड सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड बाय शुगर बिजनेस, ठीक है, लिहाजा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है दैट शैल बी मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ शुगर। जी जरा बता दीजिए, ये समझ आ गई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज की, समझ आ गई आप लोगों को अलॉन्ग विद दिस एग्जाम्पल? अच्छा, ये जो आप अभी आप देखें, आपने क्वेश्चन किया इसी तरह का सवाल पहले, ये गालिबन अभी अभी अब्दुल्ला ने भी किया था, तो ये जो क्वेश्चन में आप परसेंटेज पूछ रहे हो तो ये जरा लफ्ज देख ले, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज लिखा हुआ, मतलब कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं लिखी हुई। अली और अब्दुल्ला, इसलिए ये वर्ड आया हुआ है एवरेज लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड, ठीक है, गॉट द पॉइंट? ये चीज आगे चले। पिछला पेज हो गया मुकम्मल, ओके जी, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। कहते हैं कि अब कंपनी जो है वो कोई भी कारोबार कर सकती है, कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी और इवन कोई भी ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है किसी थर्ड पार्टी के साथ, दैट इज बीइंग इंसिडेंटल एंड एंसिलरी देयर टू, मतलब जो भी उससे रिलेटेड हो और नेसेसरी हो। मिसाल के तौर पे कंपनी शुगर का जो बिजनेस कर रही है तो शुगर के बिजनेस से रिलेटेड जैसे शुगर केन की परचेजिंग है, शुगर केन गन्ना, अगर कंपनी का जो कारोबार है वो टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल से रिलेटेड इंसिडेंटल और एंसिलरी कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, गैस करें आप, अगर कारोबार जो कंपनी का है वो टेक्सटाइल का है तो कॉटन की परचेज। भाई समझ आ रही है पॉइंट की? तो इस तरह, हाँ, तो इससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज कंपनी कर सकती है। अलबत्ता एक लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है ना शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है शैल ऑलवेज कमेंसुरेट विद द नेम ऑफ कंपनी। कमेंसुरेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक होना। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम एग्जांपल लेते हैं फिर पलट के इन अल्फाज की तरफ दोबारा आएंगे।
ताकि अल्फाज आपको अच्छी तरह समझ आ जाएं। जैसे एक प्रपोज्ड कंपनी की जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है इज मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। एक कंपनी प्रपोज्ड है अभी, अभी उस कंपनी ने वजूद में आना है, लेकिन इस कंपनी की जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो क्या है, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है, one of the subscribers to memorandum has suggested the name for the company. usne kaha ji hum apni company ka naam rakhte hain TSF consultancy limited. ab mujhe aap hi bata dein phir, agar uska principal line of business textile ka hai to kya ye jo naam tajweez kiya gaya company ka, kya ye naam principal line of business se mutabikat rakhta hai? yani company ka jo naam tajweez kiya gaya hai इस नाम से कहीं पे तासुर ये मिल रहा है कि इस कंपनी का जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो टेक्सटाइल का है? बिल्कुल भी नहीं। इस नाम को तो पढ़ के ये लग रहा है कि इस कंपनी का जो कारोबार है वो कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो कंपनी का सजेस्टेड नेम है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो यानी दिस नेम डज नॉट कमेंसुरेट विद द नेम ऑफ द कंपनी, ये है इन अल्फाज का मतलब। तो कहते हैं जो कंपनी का नाम है उसको पढ़ के अंदाजा हो जाना चाहिए कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इस कंपनी की क्या होगी। तो कमेंसुरेट का जो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ये है उसका मफहूम। आप जरा को बताएंगे इस कैसा नाम हो तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के कमेंसुरेट है। TSF को किस तरह होना चाहिए इस कंपनी के नाम को, गैस करें जरा जी। अगर इसका नाम ये होता ना कि TSF टेक्सटाइल लिमिटेड, ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ ये जो नेम ऑफ कंपनी है ये कमेंसुरेट कर रहा है उसके मुताबिक में। ठीक है, अच्छा अब आगे लिखा हुआ है कि एक कंपनी जो है वो अपने आप को कभी भी किसी ऐसे कारोबार में इंगेज या इन्वॉल्व नहीं करेगी विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। पाकिस्तान के किसी मौजूदा कानून के तहत अगर कोई बिजनेस प्रोहिबिटेड है तो कंपनी अपने आप को उस कारोबार में इन्वॉल्व नहीं करेगी। ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं ना For the time being in force in Pakistan, इसका मतलब present law of Pakistan, मौजूदा। समझ आ गया जी? जरा बता दीजिए ये पहला पॉइंट समझ आ गया? तो company shall not engage in a business which is prohibited by any law. For the time being in force in Pakistan, example ले लेते हैं जैसे drugs हैं। अब जनाब drugs तो prohibited है, तो इससे related drugs से मुराद इस वक्त मैं वो नहीं ले रहा, अद्वियात नहीं ले रहा, medicines नहीं ले रहा, drugs वो जो intoxication वाली चीजें होती हैं नशावर, वो इस वक्त मुराद ले रहा हूं मैं, illegal band, opium, अफ्यून, ये वाली। ठीक है, तो कंपनी अपने आप को किसी ऐसे कारोबार में इंगेज ना करे कि जो कारोबार पाकिस्तान के किसी मौजूदा कानून के तहत प्रोहिबिटेड हो या फिर किसी कानून के तहत रिस्ट्रिक्टेड हो। अब क्या मतलब रिस्ट्रिक्टेड का और प्रोहिबिटेड का? प्रोहिबिटेड में तो यह है कि वो बिल्कुल मना है, पाबंदी है, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट का इस लफ्ज का मतलब ये होता है कि जी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है या कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या किसी अथॉरिटी से अप्रूवल या परमिशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाए तो वो कारोबार किया जा सकता है। और जब तक वो अप्रूवल या लाइसेंस या परमिशन या रजिस्ट्रेशन ना ले लिया जाए तब तक वो रिस्ट्रिक्टेड है।
ये होता है मतलब रिस्ट्रिक्टेड का, रिस्ट्रिक्शन का। ठीक हो गया, जैसे वेपन्स वगैरह, ठीक है, ये चीज। अब आगे चलते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं, ये जो पैराग्राफ है। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है ना, इस क्लॉज का ये नाम, यानी प्रिंसिपल लाइन, ये नाम आया था 2017 के कंपनीज एक्ट में। और 2017 के कंपनीज एक्ट से जो पहले वाला कंपनी लॉ था, उस कंपनी लॉ में इसी क्लॉज का नाम हुआ करता था ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो इसका मतलब है कि जो 2017 में आने वाले कंपनीज एक्ट से पहले की रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उस जमाने के कंपनी लॉ के तहत, तो उन कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो ये अल्फाज लिखे हुए होंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो कहते हैं अब उन कंपनीज के मेमोरेंडम की ऑब्जेक्ट क्लॉज को अब हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज ही ट्रीट करेंगे। तो वो चाहे वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा रहने दें, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज को प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज कंसिडर किया जाएगा। जी बताइए, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ये जो एक छोटी सी यहाँ पे वजाहत की गई है। अच्छा, इसके बाद है लाइबिलिटी क्लॉज। अगली क्लॉज आपकी है लाइबिलिटी क्लॉज। तो वैसे आई होप कि आपको वो लाइबिलिटी वगैरह के बारे में पता होगा जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। याद आ गया जी, वो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो मेमोरेंडम की लाइबिलिटी क्लॉज में दरअसल ये लिखा जाएगा कि अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, तो लाइबिलिटी क्लॉज में ये लिखा हुआ होगा कि जी मेंबर्स की लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, कहां तक लिमिटेड है इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जी, बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल यहां पे आप दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर एक अनलिमिटेड कंपनी है तो इस कंपनी के मेमोरेंडम की लाइबिलिटी क्लॉज में यह सेंटेंस लिखा होगा कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो इस किस्म की कंपनी के मेमोरेंडम की लाइबिलिटी क्लॉज में एक एडिशनल सेंटेंस जो है वो ऐड किया जाएगा, जरा क्लियर करने के लिए कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो किस एक्सटेंट तक है। जब ये कंपनी वाइंड अप हो जाएगी और उस वक्त इस कंपनी के ऊपर कर्जे हुए, तो उन कर्जों को अदा करने के लिए इस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, ठीक है, किस हद तक होगी, तो एक एडिशनल सा सेंटेंस यहां पे लिख दिया जाएगा। और आई एम श्योर कि लिमिटेड बाय गारंटी जो कंपनी है उसका मफहूम अभी तक आपके जहन में फ्रेश होगा, जिसके बारे में बड़ी तफसील से हमने डिस्कशन कर रखी है चैप्टर 1 के अंदर। गुड, वेरी गुड जी, याद है, शाबाश। आगे चलें, नेक्स्ट क्लॉज है ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। और ये जो क्लॉज है ये सिर्फ उन कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाएगी जो हैविंग शेयर कैपिटल होती हैं, ठीक है। वंस अगेन रेफरेंस दे रहा हूं चैप्टर नंबर 1 का, उसी चैप्टर में हमने एक जगह पर डिस्कशन की थी, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो बहरहाल जो कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल हैं उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज शामिल की जाएगी। और दरअसल इस क्लॉज में अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लिखी जाएगी। ऑथराइज्ड कैपिटल का वैसे तफसीली मतलब जो है
वो तो आगे जाके इंशाल्लाह हमने पढ़ना है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर आएगा शेयर कैपिटल के ऊपर। लेकिन मैं आपको जरा मुख्तसर तौर पे बता दूं ब्रीफली, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल के जिसके इवज कंपनी शेयर इशू कर सकती है और कैपिटल जनरेट कर सकती है। ठीक है जी अब्दुल्ला भाई, ये जो आपने क्वेश्चन किया वो इंक्रीज डिक्रीज वाला, यही तो बता रहा हूँ कि ये शेयर कैपिटल के ऊपर बड़ा तफसीली आगे पूरा चैप्टर आ रहा है, उसमें ये डिस्कस होगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये मतलब बता रहा हूँ कि ऑथोराइज कैपिटल का मफहूम क्या है, और वो भी बड़े मुख्तसर तौर पर। तो ऑथोराइज कैपिटल से मुराद वो मैक्सिमम अमाउंट है कि जो कंपनी का कैपिटल होगा और जिसके एवज कंपनी शेयर्स इशू कर सकेगी, और जाहिर सी बात है कि फिर उस कैपिटल को जो है वो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी इतने शेयर्स इशू कर सकेगी और उसके एवज ज्यादा से ज्यादा इतना कैपिटल कंपनी जनरेट कर सकेगी। ठीक हो गया जी, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर यूं लिखा जाए कि ऑथोराइज कैपिटल जो है कंपनी का वो ₹10 मिलियन होगा डिवाइडेड इनटू 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, तो ₹10 मिलियन हो गया कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल, और इसको फिर डिवाइड कर दिया गया कि ₹10 का एक शेयर, और इस तरह अगर ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन शेयर्स इशू किए जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स तो ज्यादा से ज्यादा ₹10 मिलियन का कैपिटल जनरेट हो सकेगा। तो ये ₹10 मिलियन की जो अमाउंट है ये है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अच्छा, इसी क्लॉज में अब हर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम से ये रिक्वायर किया जाएगा कि एटलीस्ट वो शेयर कैपिटल में 1 शेयर तो ले ना। अब सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम क्या होता है? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम का मतलब होता है कि जिस पर्सन ने मेमोरेंडम के ऊपर सिग्नेचर किए हैं, यानी सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम। अब आप पूछेंगे सर ये कौन होते हैं, तो इसका मतलब है जो इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं, बिल्कुल इनिशियल शेयर होल्डर्स जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट दरअसल करवा रहे हैं। तो इसी क्लॉज में, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज में, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है उसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम एक शेयर तो ले ना यार, ताकि उसे टाइटल मिल सके कि ये भी इसका शेयर होल्डर है कंपनी का। ठीक है, और इसी तरह हर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के लिए ये भी लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो अपना अपने नाम के आगे अपने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी से लेने के लिए एग्री किया है। ठीक है, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसके बाद है जी अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लॉज ये सिक्स्थ क्लॉज है शेयर मेमोरेंडम की, आखिरी क्लॉज, सिक्स्थ नहीं मेरे ख्याल गालिबन फिफ्थ होगी, बहरहाल आप नंबर देख लीजिएगा। तो ये लास्ट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, जिसका टाइटल है अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अंडरटेकिंग क्लॉज भी कह सकते हैं इसे, सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कह सकते हैं। ओके जी, सिक्स्थ ही है, गुड हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये जो क्लॉज है बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्लॉज, या जिसे कह सकते हैं अंडरटेकिंग क्लॉज, इसमें दरअसल एक अंडरटेकिंग इंक्लूड की जाती है। अंडरटेकिंग का जो यहां मतलब है वो है इकरार। और वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि हमारे कंपनी लॉ के सिलेबस में ये जो वर्ड है इसका मतलब हम कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अखज करते हैं, सियाक व सबाक के लिहाज से। अच्छा, कहीं पे इसी लफ्ज का मतलब आता होता है बिजनेस, कहीं
या प्रॉपर्टी, और यही लफ्ज है कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में इसी लफ्ज का मतलब है इकरार करना, जैसे कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस लफ्ज का मतलब इकरार, टू अंडरटेक समथिंग। तो दरअसल इस क्लॉज में एक अंडरटेकिंग लिखनी लाजमी है, इकरार लिखा जाना लाजमी है। अब आप ये पूछेंगे, साहब जरा ये बता दीजिए किस किस्म का इकरार, किस किस्म की अंडरटेकिंग यहां पर लिखी जानी जरूरी है। तो इसका जवाब ये देखिए आगे आ गया, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एसईसीपी। अगर कमीशन सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम से कहता है भाई लिखो यहां पे एक इकरारनामा, एक इकरार लिखें इस मामले के बारे में कि हम ये काम करेंगे, तो कमीशन की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट की गई कि इस मामले के बारे में या ये वाली अंडरटेकिंग आप लिखें, तो वो वाली अंडरटेकिंग फिर यहां पर लिखनी पड़ेगी। एक बात, तो एक बात होगी ये, ठीक है। दूसरी बात ये लिखी हुई है, और क्या अंडरटेक करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस आखिरी क्लॉज में ये लिखा जाएगा सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम की जानिब से कि हम तमाम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम इकरार करते हैं, वादा करते हैं, अहद करते हैं, एक लिहाज से ये भी आप मतलब कह सकते हैं कि जी इस मेमोरेंडम की जितनी भी क्लॉजेज हैं हम उनको अबाइड बाय करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे, हम उनको फुलफिल करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव क्लॉजेज आर undertaken to be abided by the subscribers of the memorandum, ठीक है, as they are the first members of the company। तो इनकी तरफ से ये undertaking यहां पर लिखे जाने जरूरी है, और ये अल्फाज आमतौर पर हो सकते हैं, ये होते हैं, ये देखिए inverted commas में लिखे हुए हैं सारे के सारे ये, तो आप कह सकते हैं कि यही पैराग्राफ वहां पे बतौर अंडरटेकिंग लिखा जा सकता है। तो जरा पढ़ें तो इसको, जरा इस पैराग्राफ को पढ़ें। जी पढ़ रहे हैं, ओके हो गया जी बच्चों, गॉट इट। सवाल है जो बाद में शेयर होल्डर्स बनेंगे, तो इसका जवाब यह है कि अब लॉ ये कहता है कि जिन लोगों ने मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत कर दिए वो लोग तो इस मेमोरेंडम में लिखी हुई हर बात को अबाइड बाय करने के लिए, फॉलो करने के लिए तो पाबंद है ही हैं, लेकिन लॉ ये कहता है कि अब बाद में भी जो लोग कंपनी के मेंबर्स बनेंगे तो चाहे उनके मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत नहीं भी हैं, उसके बावजूद वो बाद में आने वाले और कंपनी के मेंबर्स बनने वाले जो अफराद हैं वो भी उसी तरह ही पाबंद होंगे इस मेमोरेंडम में लिखी हुई बातों के लिए जिस तरह के सिग्नेटरीज पाबंद होंगे, ठीक है जी। तो उसका मतलब है जब भी कोई बंदा किसी कंपनी का मेंबर बनना चाहे तो भाई पहले आप ये पढ़ लें, अगर आपको इनसे इत्तेफाक है तो आप बन जाएं मेंबर इस कंपनी के। जवाब मिल गया जी आपको, ओके आगे चलें जी। बोरोइंग पावर्स टू बी पार्ट ऑफ मेमोरेंडम, बोरोइंग मतलब कर्ज वगैरह लेना। एक कंपनी कर्ज ले सकती है या नहीं ले सकती, इसके बारे में वाज़े तौर पे लिखा हुआ होना चाहिए मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और फर्ज करें अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कंपनी की बोरोइंग पावर के बारे में, नहीं भाई ये क्लॉज नहीं है, ये अलग से क्लॉजेस खत्म हो गई हैं, ये अलग से एक पॉइंट है, टॉपिक है, हेडिंग है। अच्छा
एक कंपनी को बोरोइंग करने का इख्तियार अगर वाजे तौर पर नहीं लिखा हुआ मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बिल्कुल साइलेंट है, खामोश है, तो फिर कानून ये कहता है कि फिर इम्प्लाइड पावर है, इम्प्लाइड है फिर, पर फिर कंसिडर यही किया जाएगा, समझा यही जाएगा कि मेमोरेंडम के तहत कंपनी को बोरोइंग का इख्तियार है, कंपनी बोरोइंग कर सकती है, लोन एडवांस फाइनेंस क्रेडिट वगैरह ले सकती है, ठीक है, और इवन सिक्योरिटीज इशू कर सकती है विच आर नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर सकती है। अच्छा, इसके बारे में आगे जाके हमने पढ़ना है शेयर कैपिटल वाले टॉपिक के अंदर, इस जुमले को, ठीक है, ये वाला। तो यहां पे तो जरा ब्रीफली बता रहा हूं मैं कि कंपनी बोरोइंग कर सकती है अगर वाजे तौर पे कुछ नहीं भी लिखा हुआ मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में, तो कानून कहता है फिर इम्प्लाइड यही है, कंसिडर यही किया जाएगा कि कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए लोन ले सकती है, कहाँ से, शेड्यूल बैंक्स वगैरह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, या इवन जनरल पब्लिक से भी लोन ले सकती है, और इवन नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट सिक्योरिटीज भी इशू कर सकती है। यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत कर दूं इसकी, सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर कंपनी क्रेडिटर से ये कहे कि जी हम आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, सूद नहीं देंगे, मार्कअप नहीं देंगे, अलबत्ता जो आपने हमें कर्ज की रकम दी है, इस कर्ज की रकम पे इंटरेस्ट की बजाय हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग देंगे, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स, शेयरिंग योर प्रॉफिट्स, तो कानून में इजाजत है सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट इशू करने की भी। जी बता दीजिए, पूरी बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, और लास्ट ये पॉइंट है मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड साइंड एंड डेटेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा नहीं है कि बस ये कोई हवाई बातें हैं या कोई जुबानी, बल्कि बाकायदा तौर पे ये प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, और वो भी किस अंदाज में, इन द मैनर जनरली एक्सेप्टेबल, यानी जो एक बाकायदा एक तरीका है, एक्सेप्टेबल मैनर है, प्रिंटेड फॉर्म में, कह लें कि बुकलेट फॉर्म के अंदर, ठीक है। दूसरा ये है कि इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड नंबर्ड कंजेक्टिवली, और हर सब्सक्राइबर के इसके ऊपर दस्तखत होने चाहिए। हु शेल एड हिज प्रेजेंट नेम इन फुल, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी नेशनैलिटी, और उसका जो यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस है, और कोई अदर पर्टिकुलर्स जो कमीशन स्पेसिफाई करे कि भी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के बारे में ये वाली बातें भी लिखी जाएं, तो फिर वो भी लिखी जानी जरूरी है। और ये जो दस्तखत किए जा रहे होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, एक वहां पे गवाह भी होना चाहिए, और फिर वो जो गवाह है वो भी शेल अटेस्ट दिस सिग्नेचर्स, वो अटेस्ट करेगा, तस्दीक करेगा इन सिग्नेचर्स को कि उसकी मौजूदगी में ये हुए हैं, और फिर वो भी अपने पर्टिकुलर्स वहां पे ऐड करेगा और साइन करेगा, और फिर इसके ऊपर डेट भी मेंशन होनी चाहिए जब ये बनाए जा रहे हैं। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हम यहां पे करते हैं कंक्लूड, ठीक है जी। इसको आप पढ़िएगा आज ही, याद कर लीजिएगा, कोई सवाल हो तो अभी भी कर सकते हैं, और जब आप पढ़ रहे हो तो फिर बाद में, मतलब फिर व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल आप मुझे कर सकते हैं। ओके, चले जी, कल फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।